मोदी जी अब तपस्या में लीन होंगे, विपक्षी जो है तस्लीन होंगे, क्या कहेंगे? अब मोदी जी तपस्या में लीन हो या किसी लंबी यात्रा में जाए या झोला उठा के चले जाए, ये जो चुनाव हो रहा है मोदी जी के नाम पे तो हो नहीं रहा है। चुनाव तो मुद्दों पे हो रहा है, तो जहां मुद्दों की बात आती है वहां नेता का नाम नगण्य हो जाता है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से सियासी समीकरण बने हैं, तो 2024 का कहा जा रहा है कि विपक्ष 2024 का रण हार चुका है और मोदी जी एक तरह से साधना में लीन होने जा रहे हैं, तो इसका कितना असर? ये कौन कह रहा है कि विपक्ष हार चुका है? ये कहा किसने? उन्हीं लोगों ने कहा। तो जब जनता भी वोट कर रही, रिजल्ट अभी 4 तारीख को आने वाला है, तो पहले आप कोई चीज़ कैसे तय कर सकते हैं? इसे कहते हैं बड़बोड़ापन। ठीक है, जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। ये सच है कि जब आचार संहिता लागू हुई उसके 2 महीना पहले ये कहा जाता था कि विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। इंडिया गठबंधन को लोगों ने तरह तरह से नाम देने का काम किया, जिसकी जैसी बुद्धि थी अपना नाम देने का काम किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, आप पहले चरण की वोटिंग होने के बाद ऐसा माहौल बदला और सत्ता पक्ष के लोगों के जो भाषा शैली थी वो इतनी बिगड़ गई कि यह चुनाव जनता खुद लड़ने लगी। अब जनता बनाम सत्ता हो गया, जनता चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है विपक्ष, कहा जा रहा है विपक्ष हार रहा है 24 का रण, मोदी का साधना का होगा प्रसारण? देखिए, मोदी जी कोई भी काम करने चलते हैं तो विपक्ष को खलबली मच जाती है। वो अगर एक छोटा सा भी कोई कार्य करते हैं, साधना करना, आराधना करना, ये तो व्यक्तिगत बातें हैं और करनी चाहिए। कोई अगर इतने लंबे कालखंड में जिसने किया है, भाग दौड़ किया है इस गर्मी में, वो साधना करने जा रहा है तो दूसरों की क्या समस्या है? लेकिन मोदी जी कुछ भी करने चलें तो विपक्ष को समस्या होती है। मैं सारी बातें तो जो भाई साहब ने कही उससे नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने सही कही, ये पूरा चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है और जनता निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ है। और ये जनता ने सिद्ध कर दिया है कि अब की बार तो फिर से वही सरकार आएगी जिसने राष्ट्र का नाम, देश का नाम, सैनिकों का सम्मान ऊंचा किया है, वही सरकार फिर से आने वाली है, निश्चित तौर पर आने वाली है। इसलिए ये सब चीज़ों में कोई नहीं है, पहले से ये तय है, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से तय है कि ठीक है सीटें कम बेसी हो सकती हैं, लेकिन आना तो फिर से मोदी जी को ही है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो मोदी जी की साधना पर चोट और सनातन के लिए मन में क्या कहेंगे? मोदी जी जो भी काम करते हैं, सनातन के लिए हो चाहे साधना के लिए हो, वो बहुत सोच समझ करके करते हैं और जैसे उसका जो है कुछ ना कुछ उसका आंसर निकलता है। पहले भी सनातन धर्म के लिए कितना उनको लड़ाई लड़ना पड़ा, वो वहाँ के मुख्यमंत्री के लड़के ने क्या क्या सनातन धर्म पर बोले थे, फिर इसको यही लोग जो है उसको सही मुद्दे पर ले आए कि सनातन एक जो है क्या बोले मच्छर क्या बोल दिए थे वहाँ के। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। विपक्ष करे वोट बैंक वाली भक्ति, साधना बढ़ाएगी मोदी जी की शक्ति। सनातन का मतलब है जिसका अंत न हो। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा रही है और वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, उसी मार्ग को भारत को प्रशस्त करके आगे ले जा रहे हैं, विश्व स्तर पर ले जा रहे हैं। जिस योगा के लिए ये लोग मजाक उड़ाते थे वो योगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया। तो विपक्ष का तो काम है, उनका काम ही है बोलना, लेकिन जो सनातन की संस्कृति है उसको हमारी सरकार जो है अभी चल रही है मोदी योगी की 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, वो अपनी संस्कृति की विरासत को आगे ले जाने में सक्षम भी हैं और उनका साक्ष्य भी है और उनका उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना, तो उस परिप्रेक्ष्य में वो काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से भैया बात की जाकर कि मोदी जी की साधना पर चोट, सनातन के लिए मन में खोट, विपक्ष को क्यों? देखिए, ये चुनावी समय है, इसमें सनातन आ कहाँ से गया? राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग कहें हम सनातन के विरोधी नहीं है, सनातन का काम है ठीक है, राम मंदिर बना, उन्होंने खूब पूजा अर्चना किया, चुनाव बीत जाता साधना पे चले जाए। लंबी अब पूरा देश उन्हें एक लंबी साधना पे भेजने वाला है, वह पहले क्यों जा रहे हैं? साधना से राजनीति का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होगी वह देश कभी डेवलप नहीं कर। क्या राम मंदिर का विरोध है? एकदम नहीं है, क्यों क्यों विरोध रहेगा? हम शुरू से कहते थे जो मान विपक्ष तो विरोध कर रहा है, कहा किया बता दिए, विपक्ष का एक शब्द बता दीजिए राम। कांग्रेस से कई वरिष्ठ नेताओं, आप एक शब्द बताइए, कांग्रेस के नेता का नाम बताइए जिसने राम मंदिर का विरोध किया हो, किसी का नाम बताइए।
कोई कांग्रेस के नेता ने अभी एक बयान आया था कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो हम वहां राम मंदिर की जगह कुछ बनवाएंगे। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, ये बयान माननीय मोदी जी का है। अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो ये राम मंदिर पर ताला लगवा देगा, बुलडोजर चलवा देगा। ये भय दिखाते हैं, राम मंदिर तो बनवा दिया, राम मंदिर का भय दिखा करके हिंदुओं से वोट लेना चाहते हैं। आप बयान को याद करिए, कहिए तो मैं दिखा भी दूंगा कि मोदी जी ने ही राम मंदिर पर ताला लगवाने का भय दिखा करके लोगों से वोट देने की अपील की थी। और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए विपक्ष जिस तरह से वोट बैंक वाली विपक्ष करे वोट बैंक वाली भक्ति और साधना बढ़ाएगी मोदी जी की शक्ति, किस तरह से देखती है? देखिए, विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए अपनी नाकामी को साबित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो सरकार चली है, इससे मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से भारतीय नागरिक होने के नाते कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो मोदी जी से खुश है, प्रसन्न है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो माननीय योगी जी से खुश है। तो रही बात भक्ति की, तो राम जी की मंदिर की स्थापना हुई तो भक्ति अपने आप में जाग जाती है। तो विपक्ष इसमें नाकाम है, इसलिए भक्ति का मुद्दा वो बार बार उठाता है। मोदी जी कहा जा रहा है कि अब साधना में लीन होंगे, उससे उसको लेकर भी विपक्ष में जो है खलबली मच चुकी है, किस तरह से देख? देखिए, प्रतिपक्ष के हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि जिस देश का राज धर्म नहीं होगा, राज और धर्म दोनों शब्द जुड़ा है, चाहे महाभारत काल रहा हो और आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, उन्होंने कहा कि धर्म की बात नहीं करते हैं, गाय गीता गंगा यहाँ हमारा विषय है और बगल में हमारे क्या है, अल्लाह 147 आर्मी है, हमारे बगल वाले देश का नाम नहीं ले रहे हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, तो आपने कहा कि राम का विरोध नहीं करते हैं, कहाँ किए? अभी कुछ दिन ही पहले आपको मीडिया वाले हैं, सारे लोग यहाँ जागरूक हैं, यूट्यूबर हैं, राम गोपाल जी ने कहा कि मंदिर का कोई अस्तित्व तो नहीं है, मंदिर से कोई मतलब नहीं है, वस्तु शास्त्र के वो कौन से ज्ञाता हैं, उनके हिसाब से वस्तु शास्त्र से नहीं बना हुआ है। तो इनका काम है विरोध करना, चाहे वो जायज हो चाहे नाजायज हो, संस्कृति किसी की भी हो अपनी विरासत होती है, चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ, आप अपने विरासत का ही ड्रेस पहने हैं, आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आपको विरासत में रहना है, आप अंग्रेज नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपकी जो संस्कृति है वो आपको उसकी इजाज़त नहीं देती है। बहुल्य कुछ जवाब जान लेते हैं इसका। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इन्होंने बता दिया ना कि राम गोपाल जी ने क्या कहा था राम मंदिर को लेकर, जिस तरह से विपक्ष जो है मोदी जी की साधना को लेकर कटाक्ष कर रहा है, तो क्या लगता है इससे मोदी जी की जो साधना है वो शक्ति दिलाएगी? निश्चित तो मैं आपको बता दूं, आप बार बार मोदी जी की साधना पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, विषय ये नहीं है। अभी जो आपने कहा है कि गाय गीता की बात आपने कही है, गाय के बीप से कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग आज सनातन की बात करते हैं, इन लोगों के मुंह में उस समय जवान नहीं थी क्या कि कम से कम उनको रोकते? तो जो चंदा लिए हैं इलेक्ट्रल बांड के रूप में उस पर तो कम से कम लोग छी छी कर दिए होते कि नहीं नहीं मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां तक रहा राम गोपाल जी का सवाल, राम गोपाल जी कभी धर्म के मंदिर के विरोध में नहीं रहे हैं। सवाल जब आता है ये लोग धर्म के नाम पर क्यों आ रहे हैं, आज राजनीति हो रही है, राजनीति पर आइए ना, जनता से मुद्दों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। ये कह रहे भाई साहब ने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए, ये बताइए जो देश जो हमारे देश के जो नौजवान हैं इन्होंने गंभीर योजना ला दी, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जब मणिपुर में कारगिल में एक जवान जो वहाँ पे लड़े थे उनकी पत्नी को नग्न अवस्था में घुमाया गया, तब ये लोग कहाँ थे? देश की रक्षा, क्या वो देश की रक्षा के लिए नहीं शहीद हो रहे थे? ये मणिपुर में एक बार नहीं बोलेंगे। और बात करते हैं गाय और गीता की, गाय और गीता की बात करने वाले तो आज सबके सामने लगे हुए हैं। जान लेते हैं विपक्ष करे वोट बैंक वाली भक्ति, मोदी बढ़ाएगी, मोदी की जो साधना बढ़ाएगी शक्ति, किस तरह से देखिए ये लोग मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ एक व्यक्ति भी हैं। हम सब जो है खाली समय में कुछ ना कुछ करते हैं, ये अनावश्यक लोग परेशान होते हैं। और जहाँ तक भाई साहब ने जो बात कही, अगर आज 2014 के बाद सैनिकों के सम्मान में जो वृद्धि हुई है, चाहे सैनिकों का हौसला में जो वृद्धि हुई है, वो 2014 से पूर्व देखने को मिली, एक आम आदमी की तरफ से मैं बात करके बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, जो वृद्धि हुई है वो देखने वाली है। और इससे पूर्व में जो जातिवादी का बीज बोया हुआ था, किन पार्टियों ने बोया हुआ था, उसके बल पर लोग राज करते थे, वो सबको पता है। अनावश्यक रूप से इसको इशू बना करके मोदी जी व्यक्तिगत तौर पे जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनका नाम हो रहा है।
उनका नाम आ रहा है, वो प्रधानमंत्री हैं। भाई एक सामान्य व्यक्ति साधना करेगा तो कोई बात नहीं है, एक प्रधानमंत्री साधना करने जा रहे कौन सी बड़ी बात है। हम तो सनातन के रखवाले, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले, हम साधना करेंगे, हम रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। किसी को दर्द होता है तो हो, हम उसके लिए हम कहाँ से कर पाएंगे कि आप कहेंगे राम मंदिर ना बनाइए, आप कहेंगे हनुमान चालीसा मत पढ़िए, आप कहेंगे ये मत करिए, वो मत करिए। आखिर कौन परेशान है, परेशान क्यों है आप लोग? फिर कर रहे हैं, करने दीजिए। चलिए कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। मोदी की साधना पर चोट, सनातन के लिए विपक्ष में मन में खोट, किस तरह से देखिए विपक्ष डर गया है। किसी को आप पूजा करने से, इबादत करने से आप नहीं रोक सकते हैं। मैं अगर आम नागरिक हूँ और मैं कल मंदिर, अभी से मंदिर में बैठ के साधना करूँ, किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन माननीय मोदी जी साधना करने जा रहे हैं, उनको लग रहा है चुनावी स्टंट है। पूजा करना क्या गलत है? कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मैं शिकायत करूंगा कि जो इस पर रोक लगनी चाहिए। भाई पूजा करने से क्यों रोक लगनी चाहिए? वो क्या बैनर लेके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि पीछे बैनर लगाएंगे और साधना करेंगे? ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा बस चुनावी कार्यक्रम खत्म हुआ, अब मैं भगवान के ध्यान में लीन हूँगा। तो इसमें कोई स्टंटबाजी नहीं है, ये उनकी साधना है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी दोनों अलग चीज़ें हैं। चुनाव तक था, मोदी जी का अपना व्यक्तित्व है, वो एक देश के आम नागरिक हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनकी अपनी विचारधारा, अपनी सनातन धर्म और साधना है, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है। अच्छा, मोदी जी की भक्ति को लेकर जिस तरह से सियासत गर्म हो गई है, इसको किस तरह से देखते? देखिए अभी जो बहन ने कहा है, मैं उसका जवाब दे दूँ। कहीं विपक्ष के किसी ने नहीं कहा कि वो गलत है। सवाल ये कि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और 1 तारीख को वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ये कर साधना पर रोक नहीं है, उसके टेलीकास्ट पर सवाल उठाया गया है कि उसको टेलीकास्ट न कराया जाए। लेकिन ये लोग क्या है, विपक्ष को बस एक नरम मसाला पा गए हैं, विपक्ष का नाम लेकर के, मीडिया विपक्ष का नाम लेकर चला, किसी ने रोका नहीं है। आपको जहां मर्जी वहां जाइए, कंदराव में चले जाइए, 4 तारीख के बाद तो जाना ही जाना लंबी साधना पे। लेकिन जब तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तब तक उसका टेलीकास्ट ना हो, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से।